स्टार्ट किया आपने, क्या कोई धोखा देके चली गई थी छोड़ के, ठुकरा के मेरा प्यार दिखाना था किसी को? ऐसा कुछ नहीं है, किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई थी कि नहीं, नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कुछ बदला लेना है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मेरी लाइफ में। एक्चुअली क्या हुआ था, जब तो जैसा भी स्टार्टिंग कर दें आपकी जर्नी की स्टार्टिंग से, तो जिम कब से स्टार्ट करी आपने? जिम स्टार्ट मैंने किया था जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो 10th क्लास में था मैं, तब स्टार्ट किया था मैंने जी। तो मैं कुछ दिन के लिए गया, कुछ बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। तो भाई मैं आप सबसे यही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो देखो छोड़ छोड़ के मत करो। मैंने भी किया है अपनी लाइफ में कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना, सबका होता है। बट क्या ना, अगर आपको अपनी बॉडी को थोड़ा इम्प्रूव करना है, बॉडी साइज गेन करना है या फिर मसल साइज गेन करना है, कुछ भी है, बॉडी फैट लूज करना है, तो उस चीज़ को एक्टिविटी हमेशा रखो। ये मत सोचो कि आप क्या ना कुछ दिन किया, कुछ दिन बाद छोड़ दिया, ऐसे ही तो आपकी बॉडी में बिल्कुल चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस तब होगा जब आप किसी चीज़ को एक्टिविटी रखोगे, ठीक है। वैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं, अगर देखो आप बॉडी में अपने चेंज करना चाहते हो, तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको इसी टॉपिक पर कि जैसे देखो आप जॉब करते हो जी, ठीक है, जब तक आप जॉब पर जाओगे तभी तक पेमेंट मिलेगा आपका और पेमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्या ना, ऐसी अगर आप फिटनेस लाइन में आ रहे हो, अपनी बॉडी को सही करना चाह रहे हो, अपनी बॉडी बनाना चाह रहे हो, करते रहोगे तभी जुड़ेगा, तभी बनेगा। पैसा भी जोड़ने से बनता है, बॉडी भी करने से बनता है। बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली आज हमारे व्यूअर्स को हमारी पहली वीडियो से, तो इसीलिए मैंने बोला बहुत ही खास और अच्छी पर्सनैलिटी देवराज। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे नहीं भैया, नहीं है फर्स्ट वीडियो हमारा, तो कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं है स्क्रिप्ट का, तो जो भी बातें होंगी ना इस पॉडकास्ट में दिल से होंगी, तो दिल से आपके लिए रिस्पेक्ट है इस चीज के। काफी स्ट्रगलिंग जर्नी रही है आपकी, तो जैसा आपने बताया 10th से आपने जिम अपना स्टार्ट कर दिया था, तो पहली बार कम्पीट कब करा आपने, प्रोफेशनली कब गए इस लाइन? तो प्रोफेशनली मैंने किया 2014 के दिसंबर। वैसे ऐसा रहता है ना आजकल हमारे फिटनेस इंडस्ट्री के लोगों से एक सवाल बहुत आम है कि बॉडी बिल्डिंग क्यों, मतलब जिम क्यों स्टार्ट किया? आप सबको पता है कि हमारा जो आप लोगों का भी टाइम या हमारा भी टाइम था, तो रेसलिंग आया करती थी। जी 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 ठीक है। मैं उस टाइम पे फर्स्ट टाइम रेसलिंग देखी थी, जॉन सीना, ठीक है। ओके, तो मेरा फेवरेट था, ठीक है, तो उसकी मुझे बॉडी अच्छी लगती थी, तो मैंने भी सोचा था कि क्या ना ऐसा, उस टाइम ये नहीं पता था इसको बॉडी बोलते हैं, मैंने सोचा था कि ये मुझे भी ऐसा शरीर बनाना है, क्योंकि उस टाइम पुराने टाइम में शरीर ही बोलते थे, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं कि बॉडी आपके लिए एक न्यू वर्ड था उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तो गांव वाला जैसा हमारा बैकग्राउंड है अपना, तो इतनी नॉलेज नहीं रहती है उन सब चीजों की। तो जैसे आपने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी, तो बहुत कॉमन है बॉडी बिल्डिंग अगर आप स्टेज कम्पीट करो तो। हाँ, पहले आपको बताना क्यों स्टार्ट किया आपने, क्या कोई धोखा देके चली गई थी छोड़ के, ठुकरा के मेरा प्यार दिखाना था किसी को? ऐसा कुछ नहीं है, किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई थी कि नहीं, नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कुछ बदला लेना है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मेरी लाइफ में। एक्चुअली क्या हुआ था, जब